फ्रेंड्स कैसे हो आप सभी। आपके लिए लेके आ चुका हूँ हरियाणा बोर्ड क्लास ट्वेल्थ का फिजिकल एजुकेशन का सेट भी, शारीरिक शिक्षा का जो आपका कोड भी है उसकी आंसर की लेके आ चुका हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक आपको ज़रूर देखना है और इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट ये बताने वाला हूँ कि आपके क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, तो वो भी आपको ज़रूर देखने हैं। नेक्स्ट एग्ज़ाम आपके लिए जो आपका एग्ज़ाम है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कहाँ से मिल सकते हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ पर आ जाता है बड़े क्वेश्चन, जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन प्रश्नीय रहेंगे हमारे पास, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। देखो, शारीरिक पुष्टि के विकास के सिद्धांतों का विस्तृत उल्लेख कीजिए। कल जो हमने वीडियो बनाई थी मोस्ट इंपोर्टेंट, उसमें से कुछ क्वेश्चन आए आपके 15 से 20 नंबर लगभग वहीं से आए हैं, और जो बाकी क्वेश्चन रहते हैं वो कहाँ से आए हैं तो मैं आपको बता दूँ, जो हमारी PDF रहेगी वहाँ से लगभग यहाँ से 80 से 90% आपके जो क्वेश्चन है वो सेम क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ से। ठीक है, जो जिसको PDF चाहिए तो व्हाट्सअप कॉन्टेक्ट करके आप वो PDF परचेज कर सकते हैं, मात्र 29 रुपये में रहेगी। ठीक है, जो विद सॉल्यूशन उसका जो प्राइस रहेगा वो अलग रहेगा सब्जेक्ट वाइज, तो आप ओनली क्वेश्चन की लेना चाहते हो तो वो उसका मात्र 29 रुपये रहेगा। ठीक है, देखो प्राथमिक सहायता क्या है, ये प्राथमिक चिकित्सक के कर्तव्य का वर्णन कीजिए, ये भी 5 नंबर में आया है। परिवार से आपका क्या तात्पर्य है और इसके कार्यों का विस्तृत वर्णन कीजिए, ये भी क्वेश्चन आपके 5 नंबर आपको देखने को मिला है। और ओलंपिक ध्वज पर संक्षेप में आपको टिप्पणी लिखिए, ये क्वेश्चन तो हर बार आता है और इस बार भी आया हुआ है। और ओलंपिक्स मैंने आपको पहले ही बताया था कि ओलंपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको जरूर करके जाने हैं, यहाँ से आपको 7 से 8 नंबर जरूर मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का संक्षेप में आपका वर्णन करना है कि ये कब स्टार्ट हुआ, कितनी राशि दी जाती है इसमें। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन मिले आपको। कूलिंग डाउन से शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए, देखो ये क्वेश्चन कल भी करवाया था वीडियो में और ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 2-2 नंबर के, तो देखो पहला क्या है, समाजीकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए और वैवाहिक और पारिवारिक जीवन की तैयारियों का संक्षेप में आपको वर्णन कीजिए। ठीक है, प्राणायाम से आपका क्या तात्पर्य है, तो ऐसे ऐसे आपको देखने को मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं अब 1-1 नंबर के, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप वन लाइनें रहेंगे पहले में। पहला है पेरिन द्वारा किस प्रकार के व्यायामों को विकसित किया गया था, तो कैसे आइसोकाइनेटिक व्यायाम, कौन सा हो जाएगा आइसोकाइनेटिक व्यायाम हो जाएगा इसका आंसर। अंतराल परीक्षण विधि कब शुरू की गई थी, ये 1930 के दशक में शुरू की गई थी। जो अंतराल परीक्षण विधि होती है, मतलब एक उच्च त्रिव का जो खेल होता है, गेम होता है कम का, तो उसमें जो बीच का अंतराल होता है उसको अंतराल परीक्षण विधि कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम के किस अंग के अंतर्गत संक्रामक रोगों के बारे में जानकारी दी जाती है, तो विद्यालय स्वास्थ्य सेवाएँ। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अत्यधिक ठंड में परीक्षण करने से क्या हो सकता है, भाई ज़्यादा ठंड हो उसमें हमने कोई व्यायाम कर लिया, परीक्षण मतलब कर लिया, तो उसमें क्या हो जाता है हाइपोथर्मिया। ठीक है, दोनों में लिखा हुआ है इंग्लिश और हिंदी में, क्या हो जाता है हाइपोथर्मिया हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स, तो समूह की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो क्या होती है इसमें परिवार समूह की सबसे छोटी इकाई होती है। नेक्स्ट है योग सूत्र लगभग किस ईसा पूर्व में लिखा गया था, तो 400 ईसा पूर्व में लिखा गया था ये योग सूत्र। ठीक है, योग सूत्र। नेक्स्ट आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय, तो क्या कहाँ रहेगा IOC का जो हेडक्वार्टर रहेगा वो कहाँ रहेगा IOC का हेडक्वार्टर, तो स्विट्जरलैंड में रहेगा ये। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका ऑप्शन टाइप रहेंगे, द्रोणाचार्य पुरस्कार कब शुरू किया गया, तो 1985 में शुरू किया गया था द्रोणाचार्य पुरस्कार, जो कोचों को दिया जाता है, जो कोच होते हैं टीम के उनको। शक्ति को किस इकाई में मापा जाता है, तो शक्ति को पौंड या डाइन में मापा जाता है, मतलब पौंड डाइन, मतलब इसका आपको दोनों नहीं लगाने, तो मतलब सी का ऑप्शन है, तो पौंड और डाइन दोनों में शक्ति को मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, यह किसका कथन है, तो किसका रहेगा मैक्स वेबर का रहेगा, किसका समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, किसका कथन है मैक्स वेबर का रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 11 का, निम्नलिखित में से कौन सा यम नहीं है, तो कौन सा नहीं है तप एक क्या नहीं है यम नहीं है। ठीक है, बाकी हो जाएगा अहिंसा असत्य सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपके पास अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन कब हुआ, तो कब हुआ था 1894 ईस्वी में, क्या होता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन हुआ था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है, IOC जिसको क्या शॉर्ट में हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये थे आपके सेट बी के 12 क्वेश्चन और ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका एग्जाम हो गया, जिसके आंसर की आप मैच कर
कर सकते हो। और जो नेक्स्ट एग्ज़ाम आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ का है या बायोलॉजी का है, जिसको भी PDF चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और PDF मंगवा सकते हो। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट रहेगा, इस पर आप क्या कर सकते हो, PDF मंगवा सकते हो, जो आप मात्र 29 रुपये में रहेगी विदाउट ए सॉल्यूशन की। ठीक है, तो सेट सी भी आपको जल्द प्रोवाइड किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए भी धन्यवाद।